दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब भी आप अपने ग्राफिक्स कार्ड ड्राइवर को अपडेट करने के लिए जाते हैं तो आपको एक दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वो है कि आपको पता ही नहीं होता है कि आपके लैपटॉप या पीसी के ग्राफिक्स कार्ड का प्रोडक्ट सीरीज़ कौन सा है। तो ये प्रॉब्लम आपको वहाँ फेस होती है जब आप एनवीडिया या फिर इंटेल का जो ग्राफिक कार्ड का ड्राइवर डाउनलोड करने जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक प्रोडक्ट सीरीज़ नाम से ये बताता है। जब आपको ये पता ही नहीं है प्रोडक्ट सीरीज़ कौन सी है, तो आप डाउनलोड कौन सा करेंगे, तो उसके आगे आप ऑप्शन में जा ही नहीं सकते। सेम टू सेम यहाँ पे इंटेल के अंदर भी ये प्रॉब्लम्स आपको फेस होती है कि इंटेल का आपके पास इंटीग्रेटेड जो ग्राफिक्स कार्ड है वो कौन सा है, कौन सी सीरीज का है। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा है, और ग्राफिक्स कार्ड को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप जान सकते हैं कि आपके अंदर कौन सा ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल्ड है और इसके प्रोडक्ट की और प्रोडक्ट सीरीज आप पता करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको रन कमांड में जाना है। रन में जाने के बाद आपको सिंपली सर्च करना है। इसके अंदर आपको टाइप करना है DXDIAG। ये टाइप करने के बाद आपको सिंपली ओके पर टैप करना है। उसके बाद आप देखोगे कि एक पॉपअप ओपन हो जाएगा और इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ हार्डवेयर से संबंधित आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे अंदर ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है 11 है। और इसमें आपको डिस्प्ले के अंदर जाना है, सिंपली सिस्टम के पास डिस्प्ले है उसमें आप देखोगे कि आपका जो ग्राफिक्स कार्ड ड्राइवर है वो पूरी पूरी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है। मेरे अंदर ये इंटेल का HD ग्राफिक्स 620 है और इंटेल कॉरपोरेशन और उसकी HD ग्राफिक्स की फैमिली से बिलोंग करता है ये। इसकी मेमोरी कितनी है, डिस्प्ले मेमोरी कितनी है, शेयर्ड मेमोरी कितनी है, वो सब कुछ इन्फो यहाँ पे कम्प्लीटली यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ से ये पता कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे सब कुछ दिखाई दे रही है। और जैसे यहाँ पे ये 620 दे रखा है, तो आप सेम टू सेम जाके आप इंटेल की साइट पे जाके ये 620 ग्राफिक्स कार्ड की फैमिली का आपको जो ड्राइवर चाहिए वो आप चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको सेकेंडरी आपका ग्राफिक्स कार्ड देखना है तो वो है एनवीडिया जी फोर्स का, यहाँ दिखा रहा है जी फोर्स 920M करके। तो इसको भी आप जब सीरीज़ पता चल जाए तो आप वेबसाइट पे जाके एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड ड्राइवर का ये यहाँ पे सीरीज सेलेक्ट कर लीजिए 920 या 900M की। यहाँ पे 900M है और इसी के अंदर 920 आता है और सिंपली आप अपना ग्राफिक्स कार्ड का ड्राइवर डाउनलोड करके सिंपली इंस्टॉल एंड प्रोसीड कर सकते हैं। जो आपके आपका विंडोज़ है वो सेलेक्ट कर लीजिए और सर्च करके आप डाउनलोड कर लीजिए। तो ये सिंपल सा वे है जिससे आपकी अपने ग्राफिक्स कार्ड की डिटेल्स को पता कर सकते हैं, और ये तरीका आपके ग्राफिक्स कार्ड ड्राइवर की डिटेल्स को फाइंड आउट करने और चेक करने का सबसे सिंपल और सरल तरीका है। और इसके बाद आपके जो भी डिस्प्ले प्रॉब्लम्स है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं अपने ड्राइवर को इंस्टॉल करके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और भी ऐसे में वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी दूसरे जो ग्राफिक्स कार्ड संबंधित जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर हमने वीडियोस अपलोड करके रखे हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं।